हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस की बात करें तो फिलहाल हमें 1000 के निचले स्तर पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों पिछले मंथ इस स्टॉकों पर हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था, जब स्टॉक की प्राइस ओनली 700 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ पर आप लोगों से वीडियो बनाकर डिस्कस किया था। दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस 1000 के अप्रोक्स में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा और काफ़ी शानदार तरीके से इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है। हालांकि दोस्तों पिछले साल जब स्टॉक की प्राइस ओनली 300 प्लस में ट्रेड करते हुए देखने मिला था, वहां से आप लोगों को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने अभी तक काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिल सकता है। दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड हम सारे इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग से मैं डिस्कस कर रहा हूँ गुजरात अल्काइन एंड केमिकल लिमिटेड के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 1% के अप्रोक्स में काफी अच्छा खासा मुनाफा दिया है। हालांकि बात करें पिछले 1 month का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 1 month में इस स्टॉक ने 25% से एबव का काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों पिछले 6 month की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 6 month में इस स्टॉक ने हमें काफ़ी उतार चढ़ाव शो किया है, लेकिन दोस्तों जब भी इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला वहाँ पर आप लोगों को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में काफ़ी शानदार तरीके से फिर से हमें रैली देखने को मिल सकता है। और देख सकते हो कितना शानदार तरीके से इस स्टॉक ने गिरावट शो किया था और यहाँ से फिर से हमें रैली देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस 1500 के भी क्रॉस करके काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। यहाँ पर बात करें पिछले 1 साल का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है दोस्तों, जो कि आप लोग के सामने में है। वहीं बात करें पिछले 5 ईयर का, तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक ने 100% से एबव का मुनाफा दिया है, जो कि ए वी फिगर अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बात करें सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो दोस्तों यहां पे भी हमें काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है और दोस्तों स्टॉक में हमें काफ़ी शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से फ्यूचर में इसका प्राइस 1500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। हालांकि बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितना खरीदारी होते हुए हमें देखने को मिला है, तो जिस तरीके से हमें यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है ये भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 21% से एबव का खरीदारी, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों। वहीं हम बात करें इसका 52 लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली 380 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले साल, वहाँ से इस स्टॉक ने 1000 के आसपास का हाई हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 1500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों हम बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 1000 रुपये देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे इसका क्वार्टर का रिजल्ट का दोस्तों, तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट शो किया है, जो कि आप लोग के सामने में सेप्टेम्बर क्वार्टर के अकॉर्डिंग जबरदस्त हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दिसंबर क्वार्टर में। दोस्तों यहाँ पे बात करें इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो 46% से एबव का हमें यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि ए वी फिगर अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पर कोई प्रमोटर का शेयर हमें प्लेस फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है और फ्यूचर में भी इसका प्राइस यहां से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों हम बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहां पे हमें जिस तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है, ये भी फिगर अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एवरी ईयर जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पर दोस्तों पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पे ब्रोइंग में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का दोस्तों, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग कोई खास फिगर है नहीं, पिछले साल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल 0 फिगर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं हम बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमें फिगर देखने को मिल रहा है दोस्तों,
यहाँ पे ओनली 6600 प्लस का फिगर है, जो कि हम बात करेंगे सेक्टर के पीरिशू का, तो यहाँ पे 38.72 देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीरिशू से इस स्टॉक का पीरिशू हमें काफ़ी निचले स्तर पे देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इसका प्राइस है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक से रिलेटेड रेवेन्यू का, जिस तरीके से हमें यहाँ पे अभी तक इस स्टॉक सेक्टर में इन्फॉर्मेशन देखने को मिला है वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अभी तक इस स्टॉक ने हमें काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी दिया है, और दोस्तों आगे भी इस स्टॉक में हमें काफ़ी शानदार तरीके से रैली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका रेवेन्यू ग्राफ भी अपने आप में हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट के ग्राफ का, तो यहाँ पे देख सकते हो यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल यहाँ पे प्रॉफिट में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में जिस तरीके से कंपनी ने सेल्स शो किया है वाकई में काफ़ी अच्छा खासा, यहाँ पे देख सकते हो सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग दिसंबर क्वार्टर का सेल्स जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, और दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में। हालांकि बात करें इस स्टॉक में एफआई का होल्डिंग का, डीआई का होल्डिंग का, उससे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो 46% से एफएफ का हमें होल्डिंग यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जो कि एफआई एंड डीआई का होल्डिंग इस स्टॉक में कोई खास हमें नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 51% के आसपास का, तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो, अभी तक इस स्टॉक ने हमें काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों बात करें अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो इसका प्राइस 780 रुपये के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 1000 को क्रॉस करके हमें 1500 के आसपास में देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों थैंक यू, बाय।